वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं क्लैट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। आज हम इस स्टूडियो में क्लैट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक एग्जाम किस लिए कंडक्ट करवाया जाता है, इसकी ऑफिशियल अथॉरिटी कौन है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके आपको कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, हर एक चीज फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर इन फ्यूचर क्लैट का कोई भी अगर चेंजेस होता है, क्लैट की एग्जाम या कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लैट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में और डिटेल में जानना। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लैट का फुल फॉर्म देखेंगे। क्लैट स्टैंड्स फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि पूरे ऑल ओवर कंट्री से कोई भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। और गाइस, ये जो एग्जाम है क्लैट का, ये कंडक्ट करवाया जाता है ऑन अ रोटेशन बेसिस बाय 19 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो 19 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, उनके द्वारा एक एक करके जो है ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। और इस एंट्रेंस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको यूजी एंड पीजी लॉ कोर्सेज में आसानी से जो एडमिशन मिल सकता है ऑल ओवर कंट्री। अब गाइस बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी न्यूज है, कोई अपर एज लिमिट सेट नहीं की गई है। आप 12th पास आउट रहनी चाहिए या फिर उसके कोई भी इक्विवेलेंट एग्जाम आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा पास आउट रहनी चाहिए। आपके गाइस 45% आए हुए रहने चाहिए 12th में, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी स्पेशली एबल्ड या फिर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो 40% मार्क्स आए हुए रहने चाहिए। यहाँ पे 5% का डिस्काउंट है। बात करेंगे यहाँ पे अभी एग्जाम पैटर्न की, सो गाइस एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। आप लोगों का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को अलॉट नहीं किया जाएगा। 150 क्वेश्चंस टोटल आप लोगों को जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, और उसी के साथ यूजी में भी 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पीजी के एग्जाम में भी 150 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। हर एक करेक्ट आंसर देने पे 1 मार्क्स अलॉट किया जाएगा, और गलत आंसर देने पे गाइस 0.25 मार्क्स आपके जो है वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे। अब बात करें सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, यानी कि आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया जाएगा, और कोई भी अल्टरनेटिव लैंग्वेज में आपका पेपर जो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। सो गाइस, आई होप कि अभी आप लोगों को जो है क्लैट एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या और कोई डिटेल्स आपको जानने, तो आप मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई हो, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।